हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के एसिस्टिक इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद करने वाले हैं दोस्तों। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं, जो कि CBSE ने 2022 और 2023 के लिए आपका सिलेबस डिजाइन किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण रहे, और हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। सो एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट रस, जैसे हम कहते हैं कि इस पूरे चैप्टर के निचोड़ होने वाली है, और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ एंड तक देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की जाए, जो भी चैप्टर अपलोड किया जाए, उसका नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चैप्टर की बात करते हैं। जैसे अभी आप सभी को पता है चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने से पहले हमें राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होता है, उस शब्द को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो उसमें हम सीधे छोटे और आसान शब्दों में अगर कहें तो उसमें होता हम की भावना, ठीक है। जैसे हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले प्रत्येक लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, ठीक है। और हम सब आपस में क्या जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाषा के लेकर हो, संविधान को लेकर हो, राष्ट्र झंडे को लेकर हो, राष्ट्रगान को लेकर हो, देश को लेकर हो, क्षेत्र को लेकर हो, तो हम आपस में जुड़े हुए हैं। और आपस में जुड़ने के माध्यम में कि हम एक दूसरे के सुख में सुख और दुख में दुखी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो हमें खुशी का एहसास होता है, हारती है तो हमें दुख का एहसास होता है। तो इसी तरह हम आपस में सब जुड़े हुए हैं, इसी अपनत्व की भावनाओं को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, हम की भावना, जिससे हम अपने देश के प्रति जुड़ाव, लगाव, प्रेम, सहानुभूति सब कुछ महसूस कर सकते हैं, वही होता है राष्ट्रवाद। क्लियर। तो अब राष्ट्रवाद की हम बात क्या करेंगे, हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यहां पर यूरोप कोई देश, कोई कंट्री नहीं है, यहां हम एक कॉन्टिनेंट की बात करें, क्योंकि आप सभी होता है यूरोप कोई देश है नहीं। तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप है, और उस यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी देश उस समय, उन सभी में राष्ट्रवाद की बात इस चैप्टर में की गई है कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, बेल्जियम हो, ठीक है, इवन ब्रिटेन हो। तो यहां पर राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर कैसे पैदा हुई, आखिर क्या वजह रही राष्ट्रवाद के उदय होने की, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत अगर हम बात करें तो आपके जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है, उस चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, वो होती है एक चित्र के साथ, जो 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम है फ्रेडरिक सरायू, उन्होंने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई, और वो चार चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को दर्शाने की कोशिश की, स्वतंत्रता समानता को दर्शाने की कोशिश की, कि क्या स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है, बंधुत्व क्या होता है। क्योंकि फ्रांस में इससे पहले अगर हम बात करें तो एक निरंकुश राजतंत्र था, आपने क्लास 9th में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी, राइट। और उस फ्रांसीसी क्रांति, अगर हम फ्रांस की बात करें, वहां पर जार का शासन था, ठीक है, माफ कीजिएगा, लुई 16वां का शासन था, और उसके माध्यम से वो एक निरंकुश राजतंत्र था, वहां पर किसी को अधिकार नहीं दिए गए थे ना, समाज जो है तीन भागों में बढ़ गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग, जो पादरी वर्ग होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, उनके पास सब कुछ अधिकार थे, लेकिन तीसरे वर्ग के पास कुछ भी अधिकार नहीं थे, उनके पास भेदभाव था। तो इसी भेदभाव के कारण निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, और फ्रांस में 1789 के बाद एक राष्ट्र की स्थापना की जाती है, एक राजतंत्र की स्थापना की जाती है, संविधान की स्थापना की जाती है। अब उसी 1789 के बाद किस तरह से फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया गया, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है दोस्तों। तो किसी भी देश के नागरिकों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने के लिए जो सबसे बड़ा
तत्व पाया जाता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है दोस्तों अपनत्व की भावना। और अपनत्व की भावना कैसे आती है, देश के नागरिक होने से आती है। जैसे अब फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने नागरिकों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, क्या साधन अपनाए जिसके माध्यम से फ्रांस और यूरोप के लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पितृभूमि, पितृभूमि की के कॉन्सेप्ट को वहां पर लागू किया गया कि भाई हम सब जो हैं एक ही मातृभूमि या एक ही पितृभूमि के रहने वाले, हमारा जन्म यही हुआ है, हमारे पूर्वजों का जन्म यही हुआ है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, यानी सब कुछ हमें करना किसके लिए, इस धरती माँ के लिए करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो धरती वंदे मातरम की अगर हम बात करते हैं तो वो उस प्रकार से धरती माँ के लिए हमें सब कुछ करना, और इसी नाम को लेकर फ्रांस में क्रांतिकारियों ने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारतीयों को एकजुट करना हो, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकत्रित करेंगे, उनके अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को भरेंगे, तभी उनके अंदर क्या आएगा, राष्ट्रवाद आएगा। जैसे जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो उनके भारत में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने के लिए इसी तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं दोस्तों। तो पहला है कि पितृभूमि की भावना अपनाई गई। दूसरा क्रांतिकारियों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सभी नागरिक हैं, यानी यूरोप में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले सभी जो है क्या है, एक नागरिक है, इस देश के नागरिक, कोई बाहर से आए व्यक्ति नहीं है। तो यहां पर नागरिकता की भावना, पितृभूमि की भावना लोगों के अंदर आत्मसात किया गया, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया, जैसे हमारा अपना तिरंगा झंडा है और हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करते हैं, उसके आन बान और शान के लिए हम अपनी जान तक न्यौछार करने को तैयार रहते हैं और कर सकते हैं, ठीक। वैसे ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी जनता के, जनमानस, जनसाधारण को, लोगों के लिए क्या किया, एक तिरंगे झंडे के नीचे सबको इकट्ठा किया। इससे पहले यूरोप में सभी, फ्रांस में, यूरोप में सभी लोगों की बात करें, सभी छोटे छोटे जो देश थे या समूह थे सबका अपना अलग अलग झंडा होता था, ठीक है। तो ऐसे में सभी तमाम प्राय झंडों को समाप्त करके एक नया झंडा, फ्रांसीसी तिरंगा झंडा की वहां पर बनाया गया और उसके नीचे लोगों को लाया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद स्टेट जनरल का चुनाव किया गया। पहले अगर हम बात करें 1789 से पहले फ्रांस में स्टेट जनरल का जो चुनाव होता था उसमें जनसाधारण की भूमिका ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन 1789 के बाद जनसाधारण की भूमिका को बढ़ावा दिया गया। अब इस स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया, यानी नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली मतलब पूरा राष्ट्र जो इसमें भाग या पार्टिसिपेट लेगा उसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चुनाव के माध्यम से इस नेशनल असेंबली का चुनाव होता था, तो इस तरीके से यह भी एक तरीका था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को पैदा करने के लिए। शहीदों का गुणगान किया गया कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो क्रांतिकारी, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी कहानियां लोगों को बताई गई, उनके बारे में लोगों को बताया गया कि ये देखो ये हैं जो अपने राष्ट्र प्रेम से उद्भवित थे और उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया एक देश एक राष्ट्र के लिए। तो ऐसी बातें लोगों को बताई, उनके मन के अंदर ये बातें डाली गई, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू कर दिया। इससे पहले फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन जितने भी थे उसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून नहीं था, लेकिन 1789 के बाद जब नेपोलियन भी आता है, 1804 में नेपोलियन की संहिता आती है, तो उसमें सभी लोगों के लिए समान कानून तैयार कर दिए गए, ठीक है। अमीर गरीब के लिए सभी का कानून एक हो गया। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग जो तीनों वर्ग थे उनके लिए समान कानून बना दिया जो पहले अलग अलग हुआ करता था, ठीक है। आयात निर्यात शुल्क, जो आंतरिक आयात निर्यात, यानी अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना है तो आपको अलग शुल्क देना पड़ता था, तो इस शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। पूरे विश्व में, या क्या माफ कीजिएगा, पूरे यूरोप में एक समान शुल्क को लागू कर दिया गया। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक, ऐसे यूरोप में किया गया, ठीक है। माप तोल की एक प्रणाली, इससे पहले यूरोप की अगर हम बात करें, फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो हर स्टेट का अपना अलग माप तोल होता था, इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी, कहीं माप तोल 2 किलो का होता था, कहीं 1 किलो, तो इस प्रकार से पैरामीटर काफी अलग अलग थे, लेकिन अब एक कर दिया गया, ठीक है। एक भाषा, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। पहले एक भाषा नहीं थी, पहले अलग अलग समूहों की, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा हुआ करती थी, अब एक कॉमन राष्ट्रभाषा को घोषित कर दिया गया जिसका नाम था फ्रेंच। तो इस तरह से
फ्रांसीसी या कह सकते हैं कि वहां पर लोगों के अंदर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। अब ये तो रही फ्रांसीसी यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण रहे, तो कैसे राष्ट्रवाद लोगों के अंदर लाए गए, तो वो तरीके थे मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो हमें इसमें गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वो प्रमुख क्रांतिकारी जो थे। ठीक है, मैसनी के बारे में पढ़ेंगे हम, कावूर के बारे में पढ़ेंगे, बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, निरंकुशवाद क्या होता है, कल्पना दस क्या होता है, रूढ़ीवाद क्या होता है, नारीवाद क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। देखो इसके अलावा दोस्तों क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 1804 की नेपोलियन संहिता, क्रांति का युग 1830 से 1848, यानी फ्रांस की अगर हम बात करें दोस्तों, फ्रांस में 1830 से लेकर 48 तक क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण कैसे हुआ, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में अंतर क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप चीज बता दूं कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद की अगर हम बात करें तो निरंकुशवाद एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा शासन तंत्र होता है जिसमें जो शासक होता है वो सर्वोच्च अधिकार होता है, यानी वो सर्वाधिकार वाला होता है, ठीक है, उसके पास अधिकार ही अधिकार होते हैं और वो जनता से अलग होता है, या कह सकते हैं कि वो जनता पर किसी प्रकार के काम को सौंप सकता है, यानी वो सर्वोच्च अधिकार वाला होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या कोई जो है निलंबन नहीं लगाया जा सकता है, वो कहते हैं निरंकुश। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कोई निरंकुश राज है तो आप जो है किम जोंग योंग का नाम ले सकते हैं। यानी निरंकुश मतलब क्या होता है कि ऐसा तंत्र, ऐसा शासक जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया जा सके। ठीक है, इसी प्रकार से कल्पना दस यूटोपिया, कल्पना दस यूटोपिया एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना की गई हो, जिसको असल में प्राप्त ना किया जा सके, जिसको बनाया ना जाए, ठीक वैसे जैसे राम राज्य, आप लोग राम राज्य यूटोपिया कल्पना दस कह सकते हैं, जिसकी बस कल्पना की जा सकती है, वैसे स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार से रूढ़ीवाद, रूढ़ीवाद की अगर हम बात करें, रूढ़ीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें ये लोग जो है कह सकते हैं कि परिवर्तन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या परिवर्तन ज़्यादा नहीं मानते, कहते हैं कि अचानक और तेज गति से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन धीरे धीरे हो। ठीक है, इसी प्रकार से नारीवाद, नारीवाद भी एक विचारधारा है जिसके तहत पुरुष महिलाओं के सामाजिक समान, सामाजिक संहिता, समान राजनीतिक अधिकार, समान आर्थिक अधिकार, इस तरह के अधिकार, समानता की बात यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं को लेकर की जाती है नारीवाद में। तो इस चैप्टर में दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम दोस्तों इन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अलग अलग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।